आज मैं आपको कक्षा 9 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। खंड काव्य से अध्याय 6 मैथिली सरण गुप्त। मैथिली सरण गुप्त का हम पंचवटी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मैथिली सरण गुप्त का जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली सरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में जिला चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनका जन्म 1886 ईस्वी में चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण जी राम भक्त और काव्य प्रेमी थे। इनके पिता का नाम था रामचरण, जो राम भक्त और काव्य प्रेमी थे। उन्हीं से गुप्त जी को काव्य संस्कार प्राप्त हुआ और अपने पिताजी से ही इन्होंने काव्य संस्कार प्राप्त किया था। इन्होंने कक्षा 9 तक ही विद्यालय शिक्षा प्राप्त की थी। ये विद्यालय में जाकर के कक्षा 9 तक ही पढ़े थे, किंतु स्व अध्याय से अनेक भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। किंतु इन्होंने घर पर ही रह करके स्वयं के अध्याय से अनेक भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने बचपन में ही काव्य रचना करके अपने पिता से महान कवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। और बचपन में ही इन्होंने काव्य रचना करके अपने पिता से कवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनको उनको अपना काव्य गुरु मानने लगे। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त गुप्त जी के संस्कार को द्विवेदी जी ने संवारा एवं सजाया। द्विवेदी जी गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव में आए और उसमें सक्रिय भाग लिया। इन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति आदि सभी विषयों पर रचनाएं की। राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए। सन 1948 ईस्वी में आगरा में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया। 2 बार ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इनका देहावसान 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुआ था। साहित्यिक सेवाएं। गुप्त जी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित पत्रिका वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगे। सन 1919 ईस्वी में इनकी सर्वप्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन हुआ। इसके बाद सन 1912 ईस्वी में भारत भारती के प्रकाशित होने से इन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई। साकेत नामक महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। इन्होंने अनेक अद्वितीय कृतियों का सृजन कर संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत को विस्मित कर दिया। खड़ी बोली, स्वरूप निर्धारण और इनके विकास में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। आइए गुप्त जी की रचनाएं देखते हैं। गुप्त जी आधुनिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। ये आधुनिक युग के सबसे लोकप्रिय कवि हैं। इनकी 40 मौलिक तथा 6 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 40 मौलिक तथा 6 अनुदित पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। भारत भारती, इस काव्य में देश प्रेम की गौरव की कविताएं हैं। दूसरा है यशोधरा, इसमें गौतम के वन चले जाने के पश्चात उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। तीसरा है साकेत, इसमें साकेत अयोध्या का वर्णन है। पंचवटी, इसमें सीता राम और लक्ष्मण के आदर्श चरित्र का चित्रण है। इसके अतिरिक्त जयद्रथ वध, जय भारत, द्वापर, सिद्धराज, अनध, झनकार, नहुष, पृथ्वीपुत्र, रंग में भंग, गुरुकुल, किसान,
हिंदू चंद्रहास, मंगल घट, कुड़ाल गीत तथा मेघनाथ बध आदि महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। भाषा शैली, गुप्त जी ने शुद्ध साहित्य एवं परिमार्जित खड़ी बोली में रचनाएं की। इनकी भाषा सुगठित तथा ओज एवं प्रसाद गुण से युक्त है। इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू एवं प्रचलित विदेशी शब्दों का प्रयोग भी प्रयोग किए हैं। इनके द्वारा उपयुक्त शैलियां हैं प्रबंधात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, गीत शैली तथा नाट्य शैली। वस्तुतः आधुनिक युग में प्रचलित अधिकांश शैलियों को गुप्त जी ने अपनाया है। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय मैंने आपको बताया। आप कॉपी में इनका जीवन परिचय तथा इनकी रचनाएं आप लोग लिखिएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है औनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित त्रिड़ों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो चारु मतलब होगा सुंदर, औनी धरती, अंबर तल मतलब आकाश, पुलक मतलब होगा आनंदमय रोमांचकारी, त्रिड़ मतलब घास और झूम मतलब झूमना। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ बताते हैं आपको कि इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से लिया गया है। ठीक, और यहाँ पर इसका प्रसंग होगा कि यहाँ पर कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। किसका वर्णन हुआ है? पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण यहाँ पे किया गया है। तो गुप्त जी कहते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। कहते हैं कि चारु मतलब सुंदर, चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। कहाँ फैली हुई हैं? जल और थल दोनों में फैली हुई हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है औनी और अंबर तल में। औनी मतलब पृथ्वी, अंबर मतलब आकाश। पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित त्रिड़ों के नोकों से, और जो हरी हरी घास की नोके हैं उसको देख करके ऐसा लगता है कि मानो वे पृथ्वी के सुख से रोमांचित हो रही हैं। पृथ्वी हरी हरी घास की जो नोके हैं उसको देख करके लग रहा है कि वे पृथ्वी के सुख से रोमांचित हो रही हैं। वहां के सभी वृक्ष मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से, और वहां के सभी वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों से झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो एक बार इसका और देखिए कि गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में क्रीड़ा कर रही हैं या फैली हुई हैं, पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, और हरी हरी घास की नोकों को देख करके ऐसा लगता है कि मानो वे पृथ्वी के सुख से रोमांचित हो रही हैं, और वहां के सभी वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों से झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और अलंकार इसमें है अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, रस है श्रृंगार, गुण है माधुर्य, और भाषा यहाँ पे खड़ी बोली, यहाँ पे चांदनी रात का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। अगला देखिए, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके समुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा है कौर धरुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और दूसरे में देखिए कि यहाँ पर इसमें प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का सुंदर चित्रण किया गया है। पंचवटी में जब
लोग राम सीता रह रहे हैं, तो उसके पहरेदार के रूप में लक्ष्मण का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। कवि कहता है कि पंचवटी की छाया में सुंदर पड़ कुटीर बना, कि पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्ते की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, और उस कुटिया के सम्मुख मतलब सामने स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है, और उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली ठीक निर्धीर मतलब धैर्यशाली वीर मतलब वीरवान निर्भीक मतलब निडर पुरुष बैठा हुआ है। जाग रहा है कौन धड़ुरधड़ जबकि भुवन भर सोता है, और सारा संसार सो रहा है परंतु यह धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है। भोगी कुसमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है यह वीर, ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाले कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा हो। तो एक बार और देखिए, कवि कहता है कि पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्ते की कुटिया बनी है, उस कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर धैर्यशाली निर्भय मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है परंतु यह धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव वहां योगी बनकर आ बैठा हो। काव्यगत सौंदर्य देखिए, खड़ी बोली भाषा है, रस शांत, अलंकार अनुप्रास, उपमा और गुण है प्रसाद। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटी में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। तो इसमें पर्ण कुटी के सामने बैठे लक्ष्मण का चित्रण किया गया है। तो पर्ण कुटी के सामने लक्ष्मण बैठे हुए हैं, और पंचवटी में एक सुंदर पट्टे की कुटी बनी हुई है, उसके सामने एक धनुर्धर वीर बैठा हुआ है। इसके पहले हमने बताया था, प्रश्न यह होता है कि इस वीर व्रत वाले तपस्वी ने यह ऐसा कौन सा व्रत ले रखा है जिससे अपने निद्रा का त्याग इसने कर दिया है। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यो त्याग किए, पता नहीं कौन सा व्रत धारण किया है तपस्वी ने जिसके कारण इसने अपना निद्रा का त्याग कर दिया है। राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, राजभोग मतलब राज्य का सुख करने के योग, विपिन मतलब होगा जंगल, विराग मतलब वैराग्य। ये तो देखने में लगता है कि ये किसी राज्य का सुख करने के योग्य है, लेकिन ये विपिन मतलब जंगल में आज वैराग्य धारण किए हुए क्यों बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटी में क्या धन है, उस कुटी में कौन सा ऐसा धन है जिसकी ये पहरेदारी कर रहा है, जिसकी प्रहरी वो बना हुआ है, और कितना मूल्यवान है वो धन, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। और वह कितना मूल्यवान है वह धन जिसकी रक्षा में इसका तन मन तथा जीवन सब कुछ समर्पित है। इस प्रकार से एक बार और देख लीजिए कि पंचवटी में एक सुंदर पर्ण कुटी बनी हुई है, उसके सामने एक धनुर्धर वीर बैठा है। प्रश्न यह होता है कि वीर व्रत वाले तपस्वी ने ऐसा कौन सा व्रत ले रखा है जिसका पालन करने के लिए उसने निद्रा का त्याग कर रखा है, यह राज्य के सुख का भोग करने योग्य है, फिर इस प्रकार वन में वैराग्य लिए क्यों बैठा है, इस कुटी में ऐसा कौन सा धन रखा है जिसका यह पहरेदार बना हुआ है, कितना मूल्यवान है वह धन जिसकी रक्षा में इसका तन
मन और जीवन सब कुछ समर्पित है। काव्य का सौंदर्य देखिए, अद्भुत रस अनुप्रास अलंकार है इसमें, प्रसाद गुण प्रबंध काव्य शैली है इसमें, गुण है ओज गुण, मृत्युलोक मलिन मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीनों लोक की लक्ष्मी ने यह कुटियाज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न प्रहरी हो, विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। मालिन्य मतलब मैलापन पाप, विजन मतलब होता है निर्जन, विजन से मतलब है निर्जन से, निशाचरी मतलब राक्षसों द्वारा फैलाई हुई। तो इसमें ये बताया गया है कि इस कुटी में तीनों लोगों की लक्ष्मी निवास कर रही हैं। इसमें क्या बताया गया है कि इस कुटी में कौन निवास कर, तीनों लोगों की लक्ष्मी सीता जी निवास कर रही हैं। व्याख्या देखिए, मृत्युलोक मलिन मेटने स्वामी संग जो आई हैं, सीता जी तीनों लोगों की लक्ष्मी हैं, वे अपने स्वामी श्री राम के साथ मृत्युलोक के पाप और कलुषता को मिटाने के लिए यहाँ पर आए हैं, मृत्युलोक के पाप को मिटाने के लिए अपने पति राम के साथ यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपने निवास के लिए यह कुटिया को स्वीकार किया है और इस कुटिया को ही उन्होंने आज अपनाया है रहने के लिए, और वो तीनों लोगों की लक्ष्मी है जिन्होंने आज कुटी को अपनाया हुआ है। वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न प्रहरी हो, और ये लक्ष्मी वीर वंश की लज्जा है। यह निर्जन फिर क्यों वीर न प्रहरी हो, जब ये वीर वंश की लज्जा है तो इनकी पहरेदार कोई वीर पुरुष ही हो सकता है। विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी, और निर्जन स्थान है, रात्रि का समय अभी शेष है, चारों ओर राक्षसों की माया फैली हुई है, ऐसी दशा में इसका पहरेदार कोई वीर पुरुष ही हो सकता है। इस प्रकार से एक बार और देखिए, सीता जी तीनों लोगों की लक्ष्मी हैं, वे अपने स्वामी श्री राम के साथ मृत्युलोक के पाप और कलुषता को मिटाने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपने निवास के लिए इस कुटी को अपनाया है, वे इस समय इसी में निवास कर रही हैं। यह लक्ष्मी वीर वंश की लज्जा है, यह निर्जन स्थान है, रात्रि का समय अभी शेष है, चारों ओर राक्षसों की माया फैल रखी है, ऐसी दशा में इसका पहरेदार कोई वीर पुरुष ही हो सकता है। अलंकार है अनुप्रास, भाषा है इसमें शुद्ध साहित्यिक परिष्कृत, छंद है मात्रिक छंद, शैली चित्रात्मक, गुण है माधुर्य। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधव निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। कभी यहाँ पर पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है, रात्रि का समय है, पंचवटी की छाया में रात्रि का समय है और पंचवटी की छाया में एक पत्थर पर लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। प्रकृति के सौंदर्य को देख करके लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, कितनी सुंदर चांदनी है, रात्रि कैसी शब्दहीन है और निस्तब्ध निशा, रात कैसी शब्दहीन है, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह और मंद सुगंध वायु स्वच्छंद गति से बह रही है, स्वच्छंद गति से
मंद सुगंध वायु बह रही है। यह ऐसी कोई दिशा नहीं है जो आनंद रहित न हो, और निरानंद है कौन दिशा। सभी दिशाएं आनंदित हो रही हैं, कोई ऐसी दिशा नहीं है जो आनंद रहित न हो। सब ओर क्या है, सब ओर आनंद ही आनंद है। रात्रि के इस वातावरण में भी, जो रात्रि का वातावरण है, बंद नहीं अब भी चलते हैं। रात्रि के इस संत वातावरण में प्रकृति रूपी नटी के कार्यकलाप बंद नहीं होते हैं। ये सब कार्य अभी भी हो रहे हैं। रात्रि के समय भी जो भी प्रकृति में कार्यकलाप होता है वो सब हो रहा है, परंतु वे सब एकांत भाव से, कितने शांत भाव से चुपचाप चल रहे हैं। इस प्रकार से एक बार और इसे देख लीजिए कि रात्रि का समय है, पंचवटी की छाया में एक पत्थर पर लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। प्रकृति के सौंदर्य को देख करके लक्ष्मण अपने मन में सोच रहे हैं कि कितना सुंदर चांदनी है, रात्रि कैसी शब्दहीन है, मंद सुगंध वायु स्वच्छंद गति से बह रही है। यह ऐसी कोई दिशा नहीं है जो आनंद रहित हो, सब ओर आनंद ही आनंद है। रात्रि के इस वातावरण में भी प्रकृति रूपी नटी के कार्यकलाप बंद नहीं होते, वे सब कार्य अभी हो रहे हैं, परंतु वे सब कितने एकांत भाव से, कितने शांत भाव से चुपचाप चल रहे हैं। इस प्रकार से इसका प्राकृतिक इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए, प्रकृति के मनोरम दृश्य का वर्णन किया गया है। प्रकृति का गंभीर निरीक्षण सूचित होता है। रस है अद्भुत रस की निष्पत्ति इसमें हो रही है, अलंकार है अनुप्रास, छंद है नाटक छंद, खड़ी बोली का रूप है इसमें, गुण है माधुर्य गुण, अगला देखिए छठवां है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरे सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तन उसके जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और इसमें रात्रि के समय वन की प्राकृतिक छटा का चित्रण किया गया है। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, जब रात में सब लोग सो जाते हैं तो यह पृथ्वी रूपी सुंदरी ओस के कणों के रूप में मोती बिखेर जाती है। सबके सो जाने पर पृथ्वी रूपी सुंदरी ओस के रूप में, उसके मतलब कणों के रूप में मोती बिखेर देती है, और जब सवेरा होता है तब सूर्य रूपी प्रेमी आता है, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, और जब सवेरा होता है तो सूर्य रूपी प्रेमी आता है और इन सब मोतियों जैसे उसके कणों को चुन लेता है, और फिर और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, और फिर सायंकाल में आती हुई सूर्य की प्रतिमा संध्या को दिन भर चलने के बाद सूर्य को विश्राम देती है, सूर्य संध्या को दे जाता है, और वे सारे मोती अपनी संध्या रूपी प्रेमिका को तारों के रूप में दे देता है, जिससे उसका शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकाता है, जिससे उसका सूना श्याम वर्ण का शरीर नया रूप धारण करके चमक उठता है। उन तारों से क्या करता है, उसका सूना श्याम वर्ण का शरीर नया रूप धारण करके चमक उठता है। इस प्रकार से एक बार और देखिए,
जब रात में सब सो जाते हैं तब पृथ्वी रूपी सुंदरी क्या करती है, ओस के कणों के रूप में मोती बिखेर करके चली जाती है। और जब सवेरा होता है तो सूर्य रूपी प्रेमी आता है और इन सब मोती जैसे ओस के कणों को चुन लेता है। फिर सायंकाल में आती सूर्य की प्रियतमा संध्या, जो दिन भर चलने के बाद सूर्य को विश्राम देती है। सूर्य वे सारे मोती अपनी संध्या रूपी प्रेमिका को तारों के रूप में देता है, जिससे उसका सोना श्याम वर्ण का शरीर नया रूप धारण कर लेता है। और रस है रति नामक अस्थाई भाव की पुष्टि हो रही है इसमें। छंद है 16 और 14 मात्राओं का नाटक छंद। अलंकार अनुप्रास रूपक, भाषा शुद्ध परिमार्जित माधुर्य गुण से युक्त खड़ी बोली। सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मिया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अभय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। इसमें कवि मानव और प्रकृति के संबंधों पर प्रकाश डाला है कि मानव और प्रकृति का संबंध कैसा है, प्रकृति का रहस्य क्या है, गुड़ होता है। यह जिन सरल और तरल ओस के कणों से, सरल तरल जिन तुहिन कणों से, ये सरल प्रकृति का रहस्य बड़ा ही गुड़ होता है। यह जिन सरल और तरल ओस कणों से हर्ष के आंसू के रूप में, मतलब हमारे साथ हस्ती और प्रसन्न होती है। ओस जो धरती है वो ओस के कणों के रूप में हमारे साथ हस्ती और प्रसन्न होती दिखाई देती है। अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, और हमारे साथ अपनेपन का संबंध रखने वाला यह प्रकृति उन्हीं ओस के बूंदों से दुख के आंसुओं के रूप में हमारे साथ रोती भी है। अनजानी भूलों पर भी वह अभय दंड तो देती है। प्रकृति का शासन बड़ा कठोर होता है, यह हमारी अज्ञात भूलों पर भी हमें निर्दयता के साथ कठोर दंड भी देती है। जब कभी हम भूल करते हैं तो प्रकृति हमें उसकी सजा भी देती है, परंतु दूसरी ओर क्या करती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों का सदैव भाव से सेती है। और क्या करती है, परंतु दूसरी ओर यह बूढ़ों को भी दयापूर्ण भाव से रक्षा करती है। तो एक बार और देखिए कि प्रकृति का रहस्य बड़ा गूढ़ है। यह जिन सरल और तरल ओस के कणों से के साथ हस्ती और प्रसन्न होती है, हमारे साथ अपनेपन का संबंध रखने वाली यह प्रकृति उन्हीं ओस की बूंदों से दुख के आंसुओं के रूप में हमारे साथ रोती भी है। प्रकृति का शासन क्या है, बड़ा कठोर है, यह हमारी अज्ञात भूलों पर भी हमें निर्दयता के साथ कठोर दंड देती है, परंतु दूसरी ओर यह बूढ़ों को भी दया भाव से रक्षा करती है। प्रकृति मानव की सहचरी है। रस है अद्भुत अलंकार अनुप्रास उपमा, छंद नाटक छंद है, भाषा शुद्ध साहित्यिक शैली उद्बोधनात्मक शैली, गुण ओज गुण। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, बन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, अब यह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी बन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। इसमें लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि हमें वन को आए 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, मतलब हमें वन आए 13 वर्ष हो गए, पर यह ऐसा लगता है कि कल की ही बात हो। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात,
यह वह समय था जब हमें वन में आते देखकर पिताजी दुख के आवेग से मूर्छित हो गए थे। और हम लोग को वन में आते हुए देखकर पिताजी मूर्छित हो गए थे, अचेत मतलब होगा बेहोश, तात मतलब पिता। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब वह समय निकट आ रहा है कि जब वनवास की अवधि पूर्ण हो जाएगी, परंतु इस जन अर्थात मुझे जो सुख यहाँ मिल रहा है, कहते हैं पूर्ण होगी किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। मुझे जो सुख यहाँ मिल रहा है इससे बढ़कर किस धन की प्राप्ति होगी, अर्थात मुझे इससे अधिक कुछ मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से देखिए कि लक्ष्मण जी मन में ही मन सोच रहे हैं कि वन को आते 13 वर्ष बीत गए हैं, पर यह ऐसा लग रहा है कि जैसे कल की ही बात हो। यह वह समय था जब हमें वन को आते देख पिता दुख के आवेग से मूर्छित हो गए थे। अब वह समय निकट आ रहा है कि जब वनवास की अवधि पूर्ण हो जाएगी, परंतु इस जन अर्थात मुझे जो सुख यहाँ मिल रहा है इससे बढ़कर किस धन की प्राप्ति होगी, अर्थात मुझे इससे बढ़कर कुछ मिलने वाला नहीं है। इसमें लक्ष्मण की मानसिक तर्क विचारणी है। प्रकृति के सहवास और श्री राम की सेवा का जो अवसर वन में प्राप्त है वो अयोध्या में नहीं मिल सकता है। नाटक है छंद, अलंकार अनुप्रास, भाषा कोमल, काव्योपयुक्त, खड़ी बोली, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षणा शक्ति, शैली प्रबंध, काव्य रचना और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश बिसारेंगे, कर विचार लोकोपकार का हमें इससे होगा शोक, पर अपना हित आप ही क्या कर सकता है ये नरलोक। और इसमें पंचवटी की छाया में बैठे लक्ष्मण मन में सोच रहे हैं कि लक्ष्मण ये सोचते हैं कि वनवास की अवधि समाप्त होने वाली है, हम अयोध्या जाएंगे, पर मुझे जो सुख यहाँ प्राप्त है उससे बढ़कर सुख वहां नहीं मिलेगा। अब रही बात आर्य राम को और आर्य को मतलब आर्य राम की, उन्हें भी क्या मिल सकता है। राज्य भार तो राज्य मिलेगा, पर राज्य का एक प्रकार का बोझ है। राज्य क्या है? राज्य एक प्रकार का बोझ है, उसे तो केवल प्रजा की भलाई प्रजार्थ ही धारेंगे और उसे तो प्रजा की भलाई के लिए ही धारण करेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश बिसारेंगे, वह सुख नहीं इस प्रकार का एक बोझ होगा, क्योंकि राज्य के कार्य में वे इतने व्यस्त हो जाएंगे, इतने व्यस्त हो जाएंगे कि उन्हें कुछ अपने लिए सोचने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। विवश होकर के वे हम सब परिवार जनों को भूल जाएंगे और अपने व्यस्तता के मारे वे हम लोग को भूल जाएंगे, आर्य हमें भूल जाएंगे, कर विचार लोकोपकार का हमें न होगा इसका शोक। और आर्य हमें अगर भूल भी जाएंगे तो हमें इसका शोक इसका दुख नहीं होगा, इससे हमें दुख होना स्वाभाविक है, परंतु भूल जाएंगे तो इससे हमें दुख होना स्वाभाविक है परंतु यह विचार करके लेकिन हम लोग यह विचार करके कि जनता की कल्याण इसी में है, हमें इस पर शोक नहीं होगा, परंतु विचारणी यह है कि क्या यह मानव पर हित क्या कर सकता है नरलोक, क्या यह मानव लोक अपना कल्याण स्वयं नहीं कर सकता। तो देखिए लिखा है कि लक्ष्मण सोचते हैं कि वनवास की अवधि समाप्त होने वाली है और हम अयोध्या जाएंगे, पर मुझे जो सुख वहां प्राप्त है उससे बढ़कर सुख वहां नहीं मिलेगा। अब रही बात आर्य राम की तो उन्हें क्या मिल सकता है, राज्य मिलेगा, पर राज्य तो एक प्रकार का क्या है, बोझ है, उसे तो केवल प्रजा की भलाई के लिए ही
वे धारण करेंगे वह सुख नहीं, वह एक प्रकार का बोझ ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि राज्य के कार्य में वे इतने व्यस्त हो जाएंगे कि उनके उन्हें कुछ अपने लिए सोचने का अवसर ही नहीं मिलेगा। विवश होकर मानो वे हम सब परिवार को भूल जाएंगे, आर्य हमें भूल जाएंगे। इससे हमें दुख नहीं होगा, परंतु जनता की कल्याण इसी में है कि हमें इसका शोक नहीं होगा। परंतु विचारणी यह है कि क्या वह मानव लोक अपना कल्याण स्वयं नहीं कर सकता? इस प्रकार से अलंकार अनुप्रास है, रसान शैली भावात्मक। इस प्रकार से आपका ये 9वां पद समाप्त हुआ। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो लिखेंगे आप लोग, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। दूसरा है, मैथिली शरण गुप्त की दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो लिखेंगे साकेत और यशोधरा, इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद से है, साकेत रचना पर गुप्त जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो साकेत रचना पर गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साकेत की विषय वस्तु क्या है? साकेत में लक्ष्मण और उर्मिला के त्याग को दर्शाया गया है। इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य के सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए। पंचवटी में श्री राम की कुटी बनी हुई है। पंचवटी में किसकी कुटी बनी है? श्री राम की। तो सही है, सूर्य के निकलने पर ओस की बूंदे गायब हो जाती हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त भारतेंदु युग के कवि हैं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद से है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह यशोधरा का कथन है, तो ये सही है। उसके बाद से है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहला है, चार चंद्र की चंचर किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसका काव्यगत सौंदर्य पूछ रहा है। तो काव्यगत सौंदर्य में पहला नंबर डाल के लिख लेंगे, पंचवटी का सौंदर्य इसका वर्णन किया गया है। भाषा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली, शैली वर्णात्मक। चौथा गुण होगा ओज, अलंकार अनुप्रास पुनरुक्त प्रकाश। फिर दूसरा है, जाग रहा है कौन, यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है? यहाँ पे कवि ने लक्ष्मण की कर्तव्य निष्ठा का वर्णन किया है। भाषा में तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर समन्वय हुआ है। स देखिए, मृत्युलोक मलिन मेटने स्वामी संग जो आए हैं, यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य होगा। यहाँ भारतीय नारी के महान आदर्शों का चित्रण किया गया है कि वह दुख सुख में अपने पति का ही साथ देती हैं। सीता जी को तीनों लोकों की लक्ष्मी श्री कहा गया है। भाषा है इसमें साहित्यिक खड़ी बोली, शैली गीतात्मक एवं चित्रात्मक, अलंकार अनुप्रास रूपक, गुण माधुर्य रस शांत छंद मात्रिक। फिर दिया है, संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए, लोकोपकार। ठीक, नहीं, पहला है लोकोपकार, तो लोक धन उपकार, ये होगा गुड संधि। फिर कुसुमा युद्ध, कुसुम धन आयुध, क्या होगा? कुसुम धन आयुध, दीर्घ संधि हो जाएगा। निरानंद, निरानंद, निस्तब्ध, निधन अस्तब्ध, तो हो जाएगा विसर्ग संधि। इस प्रकार से अगला है कि पदों में समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। पंचवटी का होगा पांच बटों का समाहार, ये होगा बहुव्रीही समास। वीर वंश मतलब वीरों का वंश, संबंध तत्पुरुष। सभय मतलब होगा भय से युक्त अव्ययी भाव। कुसुमायुध मतलब कुसुम है आयुध जिसके, मतलब वह कामदेव, कोष्ट में लिख देंगे कामदेव। कुसुम है आयुध जिसके, कोष्ट में कामदेव।
ये होगा बहुव्रीही समास। अगला है नरलोक, नरों का लोक, ये होगा तत्पुरुष समास। इस प्रकार से लास्ट में है पंचवटी शीर्षक कविता में अनुप्रास अलंकार का कोई एक उदाहरण लिखे। तो आप लोग लिखिएगा, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पे च वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार आपका पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।